नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्कशन की श्रृंखला में मैं आज आपके साथ एडवांस टैक्स से रिलेटेड विषय पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। एडवांस टैक्स क्या है, एडवांस टैक्स किसको देना है, एडवांस टैक्स किस प्रकार से जमा कराना है, यदि एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। तो एडवांस टैक्स सर क्या है, मैं इसका उत्तर सीधे सीधे यही दूंगा कि जनरली इनकम टैक्स में हम एक वित्त वर्ष की आय में असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। यानी मैंने वित्त वर्ष 18-19 में मान लीजिए 10 लाख रुपए कमाए, तो प्राइमा फेसाई मुझे इसकी टैक्स लायबिलिटी का भुगतान असेसमेंट ईयर 19-20 यानी अगले साल करना चाहिए, ये लॉ कहता है। लेकिन एडवांस टैक्स जो कि सेक्शन 207 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से निकल करके आता है, वो ये कहता है कि यदि किसी असेसमेंट ईयर के संदर्भ में असेसी की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा बनती है तो ऐसी परिस्थिति में असेसी को रिलेवेंट वित्त वर्ष के अंदर ही उस पर्टिकुलर अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज व्हाट कि यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 अथवा उससे अधिक बनती है तो आपको उस टैक्स लायबिलिटी का भुगतान उसी वित्त वर्ष के अंदर करना है। अब ये 10,000 रुपए की राशि की गणना कैसे करनी है कि मान लीजिए मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 17,000 और मेरा टीडीएस कट चुका है 9,000 रुपए का, तो मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी तो सर केवल 8,000 ही है, तो क्या मुझे अब भी एडवांस टैक्स का भुगतान करना है? आंसर है नहीं। एडवांस टैक्स का भुगतान तभी करना है जब टीडीएस, टीसीएस, मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, डबल टैक्सेशन रिलीफ, इन सबको घटाने के बाद यदि मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे अधिक बनती है तब तो मुझे एडवांस टैक्स देना है, अन्यथा मुझे एडवांस टैक्स जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए मेरी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे अधिक आ गई तो सर मुझे एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करना है? मुझे स्वयं करना है सर ये भुगतान। इसके लिए लॉ ने मुझे 4 किस्तें दी हैं सर। पहली किस्त 15 जून फाइनेंशियल ईयर की, दूसरी किस्त 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी 15 मार्च। यानी अगर मैं वित्त वर्ष 18-19 की बात करता हूं तो मुझे मेरी एडवांस टैक्स की 4 किस्तें 15 जून 2018, उसके बाद में 15 सितंबर 2018, तीसरी किस्त 15 दिसंबर 2018 और चौथी किस्त 15 मार्च 2019 तक जमा करानी है। और ये जो किस्तें हैं सर ये मेरी टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का रिस्पेक्टिवली 15%, 45%, 75% और 100% तक होनी चाहिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरी 1,00,000 रुपए की एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है तो मैं ये कहूंगा कि मुझे 15 जून तक 15,000 टोटल जमा करा देने एडवांस टैक्स के, फिर 15 सितंबर तक मुझे 45,000, 15 दिसंबर तक 75,000 और 15 मार्च 2019 तक मुझे पूरे 1,00,000 जमा करा देने। मान लीजिए मेरी 2 किस्तें शॉर्ट रह गई। यदि ये किस्तें मेरी शॉर्ट रह गई, से फॉर एग्जांपल मेरी पहली किस्त मुझे जमा कराना था 15,000, मैंने जमा कराए मात्र 5,000, तो मुझे जो शॉर्ट पेमेंट है 10,000 का उसके ऊपर सेक्शन 234 सी का ब्याज 3 महीने के लिए कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। ऐसे ही अगली किस्त में मान लीजिए मुझे 45 देना था जबकि मैंने जमा कराया मात्र 20,000, तो 25,000 के शॉर्ट पेमेंट पर मुझे फिर 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। अब चाहे मैं अगले दिन ही भुगतान जमा करा दूं, एडवांस टैक्स जमा करा दूं, लेकिन मुझे ब्याज सीधे 3 महीने का देना पड़ेगा। तो बात जो ध्यान रखने की है वो क्या है सर कि पहली 3 किस्तों में यदि आप एक दिन की भी चूक करेंगे तो आपको सीधे 3 महीने का ब्याज देना है, और अंतिम किस्त में यदि आप एक दिन की डिले करते हैं तो आपको 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो हमें अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी के प्रति सतर्क रह करके ऑनलाइन, सर आप एनएसडीएल की साइट पर जा सकते हैं, वहाँ ऑनलाइन टैक्स पेमेंट की फैसिलिटी आप उससे जमा करा सकते हैं। यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप किसी भी बैंक में जाकर के वहाँ रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर पर सही सिलेक्शन करते हुए चालान जमा करा सकते हैं। एक बात जो मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से सर यहाँ सजेस्ट करना चाहता हूँ, आई हैव सीन कि लोग एडवांस टैक्स का चालान जमा कराते समय असेसमेंट ईयर गलत टिक कर लेते हैं। अब क्योंकि नॉर्मल लेमैन को सर असेसमेंट ईयर के संबंधी ज्ञान सही नहीं रहता है तो वो गलत असेसमेंट ईयर ले लेने से चालान गलत ईयर में जमा हो जाता है। तो आप सर इसका भी ध्यान रखें कि आपका चालान सही ईयर में जमा हो। मैं इसे फिर उदाहरण से बता रहा हूं, यदि मैं वित्त वर्ष 18-19 के लिए टैक्स लायबिलिटी जमा कराने बैंक में जा रहा हूं तो मेरा असेसमेंट ईयर 19-20 है तो मुझे 19-20 असेसमेंट ईयर में बैंक में चालान जमा कराना है। यदि मुझसे गलती हो गई तो सर फिर उसको डिपार्टमेंट सुधारता तो है लेकिन उसके सुधारने में अनावश्यक प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए आप इसके संदर्भ में भी ध्यान रखें। एक और पॉइंट सर जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा,
मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हो गया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या आपको कोई कैजुअल इनकम हो गई, तो लॉ ये कहता है यदि आपको कैपिटल गेन हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो जिस डेट पर आपको कैपिटल गेन हुआ है आपको उससे अगली किस्तों में, जैसे मान लीजिए मुझे 10 दिसंबर को कोई प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन हुआ, तो अब मेरी पहली दो किस्तें तो निकल गई, मैं एडवांस टैक्स कंप्लायंस कैसे करूंगा? तो मुझे जो एडवांस टैक्स कंप्लायंस करनी है सर, वो मेरी अगली दो किस्तें 10 दिसंबर के बाद आएगी, 15 दिसंबर और 15 मार्च, इन दो किस्तों पर सर मुझे एडवांस टैक्स का भुगतान कर देना है। तो सर ये एडवांस टैक्स से रिलेटेड कुछ डिस्कशन जो मुझे लगा मैंने आपके साथ में किया। यदि आपके एडवांस टैक्स से रिलेटेड कोई और क्वेरीज होगी तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उन क्वेरीज का भी समाधान प्रोवाइड करा सकूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।